अभी फलन में क्या हो गया, आदमी चलते रहो चलते रहो चलते रहो, राम मन भगवा जाता है तो नींद चलाता है। हाँ, 1:10 तो आपका भाई अभी खाना बना रहा है 600 किलोमीटर, और ब्लॉग बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, पूरा गाड़ी का अकेले काम करना, कहाँ बोले हम, परेशान हो जाते हैं। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking. नमस्ते भैया लोग, कैसे आप सब? आपका भाई के ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है, और मैं भी हूँ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पे। तो इस जगह का नाम है सोहिला, सोहिला से बाजार से आगे है, तो ये भारत का पंप है। देखिए बहुत बड़ा पंप है, इधर में गाड़ी सब लगाते हैं ड्राइवर भैया लोग, और उधर में देखिए किचन एरिया है, तो सब ड्राइवर साहब लोग खाना बना रहे हैं। तो आपका भाई खाना नहीं बनाएगा, जाकर आज होटल में खाएंगे, यहाँ से 2.5 घंटा लगेगा जाने में। तो अभी टाइम बज रहा है 10:30। देखिए भैया लोग पीछे में बहुत सुंदर पानी चल रहा है जी, मन करता जाके पानी भर ले, बाकी जाने का रास्ता नहीं है। देखते सब घेरा हुआ है, धान का खेती है, अब पानी बोर्डिंग वाला है, हाँ मतलब तो मोटर उसी का पानी चल रहा है। तो आज भैया लोग जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपका भाई कैसा लग रहा है देखिए, आज नया नया कपड़ा पहना हूँ। सुबह सुबह नहा लिए, पंप में बहुत सुंदर पानी चलता है, नहा हुआ लिए है, पूजा वूजा कर लिए गाड़ी का, और भैया लोग और यहाँ से निकलते हैं, और भाई के साथ बने रहिए, आज ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं छत्तीसगढ़ बॉर्डर में हूँ, देखिए ये कटवाया हूँ, 2100 रुपया लगा है, 2000 रुपया मैकेनिकल का, 1000 रुपया ठप्पा मारने का, 100 रुपया वो खाते हैं सब मिलकर। अपने इंडिया में गाड़ी खिलाने का कोई रूल और सीमा नहीं है, हम लोग भी दो दो दिन लगातार गाड़ी चलाते हैं, कच्चे माल भरते हैं, तो कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर गाड़ी चलाने का, सिर्फ अभी हाईवे बन गया है। अभी हाईवे में क्या, पहले सिंगल रोड था ना, तो हम लोग का नींद नहीं आता था, क्योंकि हम लोग का क्लच ब्रेक हम लोग करते रहते थे, सिंगल रास्ता था। अभी फोलन में क्या हो गया, आदमी चलते रहो एकदम मन भगवा जाता है तो नींद चलाता है। तो अभी नींद, अभी इंजेंट हद से ज्यादा होता है नींद में, पहले लोग ड्राइव करते हैं और आगे जाके खाना खाते हैं। बस मैं अभी सरायपाली टूल टेस्ट से पहुंचने वाला हूँ। हेलो, मैं होटल पे आ चुका हूँ, तो अभी टाइम बज गया है 2:15, तो पानी गाड़ी में भर लिए पीने वाला, और गाड़ी का टायर चेक कर लेते हैं, फिर जाकर खाना खाते हैं, तो खाना अच्छा खिलाते हैं यहाँ पर। भाई लोग खाना पीना खा लिए, चावल खा लिए जी, नींद आ गया लगता है, अब भगवानी डाले उसने चावल खाते नहीं दिन में गाड़ी चलाते समय। ओह बहुत धूप है जी, चश्मा पहन लेते हैं, बहुत रौदा हो गया है। चलिए बोलो यहाँ से के बाद जाकर आरंग में गाड़ी का टायर चेक करेंगे, फिर एयरपोर्ट पार करेंगे, बस यहाँ से और 1 घंटा लगेगा आरंग जाने में। दिन में एयरपोर्ट पार कर लेंगे, नहीं तो शाम में ना भीड़ भाड़ हो जाता है। Over the edge, feel like I'm floating
आपका भाई आ चुका है आरंग। देखिए सामने में आरंग का बोर्ड लगा हुआ है, ये सीधा की आरंग सिटी में, मैं सीधा जाऊंगा यहाँ से। बस रायपुर जस्ट आगे, यहाँ से रायपुर है 30 किलोमीटर है, हाँ 30 किलोमीटर। तो आपका भाई यहाँ रुका है किस लिए? सब्जी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हरा हरा सब्जी मिलता है ताज़ा ताज़ा। गाड़ी बहुत स्पीड में आ रहा है, भागो। तो चालू रास्ता है, देख के जाएंगे, देखते गड्ढा है कहीं गिर जाएंगे इसी में। देखिए सामने में सब्जी है, पूछते कितने रुपए दाम है। भुट्टा भी मिल रहा है जी, कहो सब्जी कैसा है जी? ये अज्जू टाइट है, ये वाला सीट का नहीं टाइट नहीं रहा है, इस वाला से हां ये सीट का नहीं मीठा वाला है, वो कुवारा एकदम ये पकाने वाला है। हां कैसे पकाएगा? पकाए नहीं ना, भून उबाल के खा ले, भून के खा ले। कैसा है ये? 40 रुपए किलो। हां नंबर मुरई भाई दे ले गिरन दे, टमाटर 40 है ये वाला। ये चठैल ये वाले ए वो 20 रुपए पा 80 किलो। हाँ 80 किलो। ये क्या है बड़ा बड़ा है यार? ए खान के लाए अपना दुकान है, घर का है। हाँ कैसे दे रहे? 60 रुपए एक किलो। 60 का एक किलो। हेलो भुट्टा ले लेगा, पका के खाएंगे। लोग सब्जी ले लिए है, भुट्टा अरुई है ना, अरुई और मूली उली लिए है, चठैल लिए है। गाड़ी बहुत स्पीड में आ रहा है, 120 रुपये का अभी सामान हुआ है। बहुत महंगाई है जी, सिर्फ टमाटर सस्ता दिया भाई, 40 रुपए किलो दिया है। बाइक गाड़ी ना बहुत स्पीड में चलता है, हाईवे है ना। तो भैया यहाँ से निकलते हैं, एक के बाद यहाँ से आरंग रायपुर पार कर लेंगे। अब अभी टाइम बज रहा है 4-6 बजे तक पार कर जाएंगे। भाई के साथ बने रहिए, देखते हैं। इधर बारिश हुआ है, पानी पूरा पानी में चल रहा है, पानी चल रहा है, क्या बोल रहे हैं। Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding. आपका भाई आ चुका है चिचोला बॉर्डर। तो यहाँ से आगे मास बॉर्डर में मैं एंटर कर जाएंगे, यहाँ से और 10 किलोमीटर आगे है। यहाँ पर भैया लोग गाड़ी सजाने वाला दुकान है, तो जाते हैं आपका भाई सामान लेने। गाड़ी मुझे सजाना है क्योंकि सामने में विश्वकर्मा पूजा आ रहा है। तो देखिए यहाँ दुकान है, बहुत बड़ा दुकान है, लाइन से 10 गो दुकान है, हर एक सामान मिलेगा आपको। गाड़ी सजाएंगे ना, हर एक सामान मिल जाएगा आपको। देखिए लोग सामान ले लिए हैं, ये भाई साहब है, 1 रुपया कमाता नहीं, इसमें बहुत महंगा लेता है जी। ये महाराष्ट्र एरिया है, महाराष्ट्र है ना, उड़ीसा में लेते तो वहाँ मेरा दोस्त है, तो वहाँ पर लेते ना कुछ कम जाता। चलिए कोई बात नहीं, उधर से आए नहीं थे, फिर वहाँ पर और सामान लेना है मुझे गाड़ी का। अभी आधा सामान लिए है और आधा उड़ीसा में लेंगे। ये अपना भाई है, हाय गाइस। चलिए 50 दे दीजिए, अब निकलते हो यालो। अरे पोनी है, पर्दा है गाड़ी अंदर लगाने वाला नहीं है, क्या रखता है तुम्हारा? टेडी बियर नहीं है तो क्या भेजे बताओ यार। तो भाई आ चुका है सोकोली टूल टेस्ट पे। तो अभी टाइम बज रहा है 1:10। तो आपका भाई अभी खाना बना रहा है, तो सब्जी बना रहे हैं, सब्जी नहीं भुजिया बना रहे हैं।
कुछ चटहल लिए थे ना दिन में, चटहल का भुजिया और रोटी, तो बस आधा घंटा में खाना बन जाएगा। मन नहीं करता बनाने का, फिर सोचे रात को भूखे प्यासे नहीं खोना सोना चाहिए, तो बस आधा घंटा में बना देंगे। आपका भाई का खाना बन गया है, आधा ना लगा खाना बना लिए, चलिए रात को खा के सोना चाहिए। अभी टाइम बज रहा है 1:40, आधा घंटा में बना दिए 25 मिनट में। अब बहुत बारिश हो रहा है जी बाहर में, खाली आज दिन बाद बारिश से मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, भदवा पकड़ लिया का, खाली बारिश से हो रहा है। ओके भाई लोग, ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई का ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। गुड नाइट, जय हिंद। I'm walking